Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. This is our maths class. In this class, we will study the chapter 9, exercise B. Okay, in this exercise, we will learn addition and subtraction of money. जैसे हमने पहले addition और subtraction सीखे थे decimals में, ठीक है, अब हम money के addition और subtraction सीखेंगे. Condition वही रहेगी, same तरीके से हमें उन्हें solve करना है. Method भी वही है, बस आपको लिखने का जो थोड़ा सा तरीका है, वो change करना है. ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट है ऐड द फॉलोइंग अमाउंट. हमें अमाउंट दिया है, उनको हमें ऐड करना है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो दिया है वो है बच्चों, वो बोला है उन्होंने 2123 रुपीज एंड 50 पैसे एंड 3213 रुपीज 30 पैसे. इन दोनों अमाउंट्स को हमें ऐड करना है. ये दो अमाउंट दिए हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो हम कैसे ऐड करेंगे? कॉलम बना के ऐड करेंगे. रुपीस का कॉलम बनाया, एक पैसे का कॉलम बनाया. ठीक है, कैरी के लिए स्पेस ले लेंगे. ओके, तो जो लिखा है नंबर, वही नंबर हमें यहाँ लिखना है. रुपीज वाला पोर्शन रुपीज में लिखेंगे और पैसे वाला जो पोर्शन है वो पैसे में लिखेंगे. जैसे 2123 रुपीज है एंड 55 पैसे, 3213 रुपीज एंड 30 पैसे. अब इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है. तो जो यहाँ लिखा है उनको हम एज इट इज यहाँ पर लिख के एंड देन ऐड कर देंगे. 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3 एंड 2 प्लस 3 5. ये हमारा ऐड हो गया. ठीक है, जस्ट जो नंबर लिखा था हमने उसको एज इट इज लिख लिया, रुपीज वाला रुपीज के कॉलम में और पैसे वाला पैसे के कॉलम में. ठीक है, उनको लिख के फिर हमने उन्हें ऐड कर दिया. ओके, तो इसी तरह से हमें एडिशन करना है. नेक्स्ट देखिए, अब थ्री अमाउंट दे दिए उन्होंने, तो हम पहले कॉलम बना लेते हैं, रुपीज एंड पैसे. ओके, सबसे फर्स्ट उन्होंने दिया है 5318 रुपीज 78 पैसे 75. ओके, नाउ 7328 रुपीज 25 पैसे एंड 979 रुपीज 95 पैसे. ओके, ये तीन अमाउंट हमें दिए थे, हमने इन्हें कॉलम्स में अरेंज कर लिया. ओके, अब क्या करेंगे, हम इन्हें ऐड कर देंगे. देखिए प्लस का साइन लगाया, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे. 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19 का 9 1 आगे कैरी कर देंगे. मतलब ये नहीं है कि यहाँ 19 आ रहा है तो यहाँ 19 का 19 लिख देंगे, नहीं, ये पूरा एक ही है, इसकी कैरी हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 9 26, 26 का 6 यहाँ लिखेंगे, कैरी 2. ओके, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, 1 आगे कैरी कर देंगे. 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 9 16, 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, 1 आगे कैरी कर देंगे. 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 सॉरी 6 प्लस 7 13, 13 एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया. ओके, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी अमाउंट दिया है उसको हम लिखेंगे और देन हम उसको ऐड कर देंगे. अब सेकेंड हेडिंग है बच्चों, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट. हमें ये सारे अमाउंट को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है. अभी जैसे हमने ऐड किए थे, अब उसी तरह से हम सबट्रैक्ट करेंगे. देखिए जैसे बोला है 175 रुपीज सेवेंटी फाइव पैसे फ्रॉम, किसमें से सबट्रैक्ट करना है, 300 रुपीज एंड 62 पैसे.
इस अमाउंट में से इस वाले अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम बोला है, फ्रॉम मतलब से, तो इस वाले अमाउंट में से इस वाले अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे. इसको भी जैसे हमने एडिशन किए थे उसी तरीके से हमें इसे लिखना है. रुपीज पैसे, थ्री हंड्रेड रुपीज 62 पैसे माइनस 175 रुपीज 75 पैसे. ठीक है, टू में से फाइव कैंसिल हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे, तो ये वन बारो कर लेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 12. 12 में से फाइव गए तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 7. इसने अपना वन इसको दिया, यहाँ कितना बचा? 5. क्या 5 में से 7 चले जाएंगे? नहीं, तो ये 1 इससे बोरो कर लेगा. ठीक है, तो 15 में से 7 जाएंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 8. इसने अपना 1 इसको दिया, यहाँ वैसे 10 होता बट अब क्या होगा यहाँ पर? 9. 9 में से 5 गए तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 4. ओके, क्या 0 में से 7 चले जाएंगे? सॉरी, इसने भी अपना 1 इसको दिया है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 9. 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 2. इसने अपना 1 इसको दिया, यहाँ कितना हुआ? 2. 2 में से 1 गए तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 1. दैट इज 124 रुपीज एंड 87 पैसे. ओके, सी वाला देखिए, बी है, सॉरी बी वाला. 241 रुपीज 90 पैसे फ्रॉम, किसमें से करना है इसे सब्ट्रैक्ट हमें? 553 रुपीज 20 पैसे. इस अमाउंट में से इस वाले अमाउंट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, रुपीज लिखेंगे, पैसे लिखेंगे. 553 रुपीज 20 पैसे एंड 241 रुपीज 90 पैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम. जीरो में से जीरो गया तो जीरो. क्या टू में से नाइन चले जाएंगे? नहीं, तो वन इससे कैरी कर लेंगे, 12 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3. इसने अपना 1 इसको दिया, यहाँ कितना हुआ? 2. 2 में से 1 गए तो कितना रिमेनिंग बचेगा? 1. 5 में से 4 गए तो 1. 5 में से 2 गए तो 3. दैट इज 311 रुपीज एंड 30 पैसे. ओके, अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं एक दो, देखिए. थर्ड वन है, राम बाबू परचेज क्लोथ वर्थ रुपीज 856 एंड 92 पैसे. अ कैलकुलेटर वर्थ रुपीज 268 एंड 56 पैसे एंड सम ड्राई फ्रूट्स वर्थ रुपीज 306 एंड 75 पैसे. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? राम बाबू ने इतने अमाउंट का क्लोथ खरीदा, फिर उन्होंने कैलकुलेटर खरीदा और फिर ड्राई फ्रूट्स परचेज किए, तो उन्होंने टोटल कितना मनी स्पेंड किया? टोटल पूछ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे. ठीक है, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब सीखे थे तो उसमें भी अगर हमसे कोई टोटल पूछता था तो हम क्या करते थे? प्लस करते थे. ठीक है, तो ऐसा ही हमें यहाँ पर करना है. बस हम प्लस कैसे करेंगे? रुपीज और पैसे के कॉलम में अरेंज करके उन्हें ऐड करेंगे. ओके, देखिए, कॉस्ट ऑफ क्लोथ, क्लोथ कितने का था? 856 रुपीज 92 पैसे. कॉस्ट ऑफ अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कितने का था? कैलकुलेटर था 268 रुपीज एंड 56 पैसे. और ड्राई फ्रूट कितने के थे? 306 रुपीज 75 पैसे. ओके, अब क्या बोल रहे हैं वो? टोटल उसने कितना मनी स्पेंड किया यानी खर्च किया, तो हम कॉलम बना लेंगे रुपीज एंड पैसे का. 1, 2, 3, 1. 856 रुपीज 92 पैसे, 268 रुपीज 56 पैसे एंड 306 रुपीज 75 पैसे.
8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1 प्लस 9 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 7 20 2 का 2 कैरी 2 2 प्लस 6 8 8 प्लस 8 16 16 प्लस 6 22 का 2 कैरी 2 2 प्लस 5 7 7 प्लस 6 13 13 प्लस 0 13 का 3 कैरी 1 1 प्लस 8 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 3 14 ओके तो 1432 रुपीस एंड 23 पैसे उन्होंने इतना टोटल अमाउंट स्पेंड किया यानी खर्च किया ओके नेक्स्ट देखिए अ कूलर कॉस्ट रुपीस 4156.60 पैसे एंड अनदर कूलर कॉस्ट रुपीस 3084 रुपीस एंड 75 पैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस एक कूलर की कॉस्ट 4156.60 है और दूसरे कूलर की कॉस्ट 3084.75 है तो दोनों की कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया ठीक है तो हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है इसके लिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और ये पता करना है हाँ सिर्फ डिफरेंस ही फाइंड करना है ठीक है तो कूलर की कॉस्ट कितनी थी एक कूलर की एक कूलर की कॉस्ट थी 4156.60 और अनदर कूलर दूसरे कूलर की कॉस्ट थी 3084.75 ठीक है अब दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस अंतर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉलम बना लेंगे रुपीस पैसे फोर वन फाइव सिक्स सिक्स जीरो थ्री जीरो एट फोर सेवन फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या जीरो में से फाइव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं तो वन इससे कैरी कर लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा टेन टेन में से फाइव गए तो रिमेनिंग बचेगा फाइव इसने अपना वन यहाँ दिया यहाँ कितना हो गया फाइव क्या फाइव में से सेवन चले जाएंगे नहीं वन इससे बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन और यहाँ कितना बचेगा फाइव फिफ्टीन में से सेवन गए तो कितना बचेगा एट फाइव में से फोर गए तो वन फाइव में से एट चले जाएंगे क्या नहीं तो कितना हो जाएगा यहाँ फिफ्टीन फिफ्टीन में से एट गए कितना रिमेनिंग बचेगा सेवन इसने अपना वन इसको दिया यहाँ कितना हो गया जीरो जीरो में से जीरो गए तो जीरो ओके और फोर में से थ्री गए तो वन तो 1071 रुपीज एंड 85 पैसे ओके तो एक उन दोनों की कूलर की कॉस्ट में इतना डिफरेंस था ठीक है तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ फिनिश हुई आप सभी को समझने के लिए आप सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो सभी इसकी प्रैक्टिस करिएगा और अपना वर्क सभी कंप्लीट करिएगा थैंक यू सो मच एवरीवन